चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम बातें की जाती हैं, तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ फिर भी खाली रहते हैं। आखिर क्यों? मामला उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद का है, जिसके नारकी ब्लॉक के गांव जाटों में बीती रात अब किया लोग सोते रहे और चोर आधा दर्जन से ज्यादा मकानों पर अपना हाथ साफ कर गए। लाखों रुपए की चोरी हुई, जिसे सभी ग्रामीण सख्ते में आ गए। आनन फानन में जब सुबह ग्रामीणों को पता चला इस चोरी के विषय में, तो उन्होंने न्याय के लिए थाने में गुहार लगाई। लेकिन हमारी टीम जब गाँव पहुँची, तब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी गाँव में ग्रामीणों का हालचाल जानने नहीं पहुँचा था। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब तक चोरी वारदातें शहरी क्षेत्र में ज्यादा हो रही हैं, लेकिन अब चोरों का रुख शहरी क्षेत्र से ग्रामीण इलाके में हो गया है, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए चोरों की धरपकड़ करता है या नहीं, या तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है आपका? बाबूराव। किस तरह चोरी हुई है, क्या मामला है, कितने रुपए की चोरी हुई, कितने घरों में चोरी हुई है? चार गांव मतलब मकानों ने भागे, दो यहाँ सबल नगर पे जी और दो गांव में। क्या नाम है तुम्हारा? नेम सिंह। कौन सा गांव है ये? शिवनगर जाटू। थाना कौन सा पड़ता है? नारकी पड़ता। क्या मामला, किस तरह से चोरी हुई है? रात में 11 बजे आया था, हमारी बहन के यहाँ खत्म हो गए थे, तो मैं यहाँ सो गया 12 बजे तो के बाद, बाकी बार मुझे नहीं मालूम है, सब भीतर तोड़ दिया। क्या क्या गया है आपका? बहुत सामान चला गया है, अंगूठी है, तोड़ियाँ हैं, लच्छे हैं और पैसा हैं, दो जोड़ी तोड़ियाँ हैं, कन्नौनी है। अनुमानित कितने रुपए की चोरी हुई है? करीब करीब 80,000 के लोग। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? रिपोर्ट कराई? हाँ, वहाँ दे आए हम। पुलिस क्या कह रही है? यूँ कह रहे हैं कि वो अम्बेडकर की बाकी सुनवाई कर, अम्बेडकर में लगे, अम्बेडकर 12 बजे के बाद। हाँ, 12 बजे के बाद बुलाए। आपका सुरेश बाबू। बाबू, यहाँ पर चोरी कितने की हुई है और यहाँ पर गांव में कितनी जगह चोरियाँ हुई हैं? करीब 4 जगह चोरियाँ हुई हैं यहाँ जी, 2 शिवनगर में, 2 जाटू में, और करीब करीब यहाँ से वेद विकास का घर है, यहाँ से करीब 3.5 लाख का जेवर चला गया, 50,000 कैश है और करीब 2-3 लाख का जेवर होगा। पुलिस को सूचना थी? पुलिस आई और देख के चली गई है। देख के चली गई है? हाँ। कह रहे थे वो उठा तो लिए 4 लड़के वहां से, कंजड़ वो कह तो रहे थे, और किसी में सको तो बताओ उसको उठाए, वैसे किसी को बता दिया जाए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा के साथ मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। जनपद कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुर्रा चौकी चपुन्ना में वृद्ध युवक की लाठियों से पीट पीट कर निर्मम हत्या की गई। मथुरा प्रसाद बाथम पुत्र नाथुराम बाथम उम्र 71 वर्षीय का गांव के ही शिवशंकर दुबे उर्फ पप्पू, कृष्णकांत दुबे उर्फ बिल्लू, पुत्र गण महेश्वरी दयाल शीला देवी, पत्नी महेश्वरी दयाल रानी देवी, पत्नी आनंद स्वरूप शर्मा ने मथुरा प्रसाद को लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि धर्मपाल पुत्र मथुरा प्रसाद अंजलि पुत्री धर्मपाल को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, धर्मपाल की पत्नी पुष्पा देवी का कृष्णकांत दुबे और भिल्लू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह 4 माह पहले या दोनों रफू चक्कर भी हो गए थे। इसी को लेकर आज दोपहर करीब 12 बजे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसको लेकर आरोपियों द्वारा मथुरा प्रसाद की लाठियों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, तथा धर्मपाल व धर्मपाल की पुत्री अंजलि को मार पीट पीट कर घायल कर दिया। घटना स्थल पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ओम बाबू तिवारी ने मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह को दी। घटना स्थल पर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी शेषमढ़ी उपाध्याय मौके पर पहुंचे तथा घटना के संबंध में जानकारी ली। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सुनीता देवी। किस गाँव रहने वाले हैं? क्या घटना हुई है? इनकी बहू जो होती लड़का, इनको लड़का महेश्वर को लड़का बजाए लगी, वो बहू मथुरा प्रसाद का लड़का और महेश्वर का लड़का बहू मतलब बजाए लगी वो, सो बहू बा आई तो जे लोग गए थे, सो जाए के उन लोगों ने इनको मार के वहीं रख दिया। क्यों मारा? इनकी जे अपनी बहू को देखने गए थे कि बहू आई हमारी, बहू बजाए ले गए, तो जे लोग पता लगो जे लोग देखने गए बहू को, तो उन लोग शीला उनकी अम्मा महेश उनका पप्पू बिल्लू बड़ेन पप्पू रानी, बहू को लेके कौन गया था? बिल्लू भाग गए, बजाए ले गए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज।
उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के जगेंद्र हत्याकांड के मुख्य गवाह अनुराग मिश्रा उर्फ राजू पर एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जो कि चौथे स्तंभ के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। अगर इसी तरह पत्रकारों पर हमले और फर्जी मुकदमे होते रहेंगे तो इस चौथे स्तंभ की फिर रक्षा कौन करेगा? जब एक आम आदमी की आवाज़ उठाने वाले को ही इस तरह फर्जी फंसाया जाएगा। 27 जून 2019 को संयुक्त मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने पत्रकार जगेंद्र सिंह हत्याकांड के इकलौते चश्मदीद गवाह पत्रकार राजू मिश्रा को समाजवादी पार्टी के नेता विजेंद्र सिंह यादव के पुत्र विपिन यादव के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसमें पत्रकार राजू मिश्रा को फंसाए जाने की साजिश हो रही है। इसी के विरोध में मानवाधिकार आयोग के प्रदेश महासचिव शशांक प्रताप सिंह के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन संबोधित किया गया और इस प्रकरण की जाँच किसी उच्च अधिकारी से कराने की मांग की गई। इस मौके पर प्रदेश महासचिव शशांक प्रताप, मंडल महामंत्री अभय प्रताप, जिला अध्यक्ष सचिन शुक्ला, ललित सक्सेना सचिव आलोक अवस्थी, सा मीडिया प्रभारी विनायक मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी संजय कौशल, जिला सचिव अमितेश अवस्थी, गौरव पाल, लवि सिंह मेस्टन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मृतक विपिन यादव की हुई संदिग्ध अवस्था में मौत संवाददाता श्री राजू मिश्रा को झूठे केस में फर्जी फंसाया जा रहा है, जो सरासर गलत है व अन्यायपूर्ण है। प्रार्थीगण खुद घटना की जांच जिले में किसी कुछ अधिकारी से जांच करवाना चाहते हैं तथा राजू मिश्रा को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अतः आपसे निवेदन है, पत्रकार राजू मिश्रा जी के साथ सहानुभूति रखते हुए जिले में किसी कुछ अधिकारी से प्रकरण की जाँच कराई जाए और राजू मिश्रा जी को निर्दोष साबित किया जाए, क्योंकि आए दिनों पत्रकारों के साथ जो घटनाएं क्षेत्र में बढ़ रही हैं, पत्रकारों के खिलाफ सरासर मुकदमे झूठे बनाए जा रहे हैं, थानों में अभद्रता की जा रही है, ये घटनाएं आम बातें होती जा रही है। इसमें एक कॉपी माननीय निर्भीक पत्रकार है राजू मिश्रा, जो समाज सेवा में अपना अभिन्न योगदान देते हैं अपनी पत्रकारी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से। विगत कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के नेता विजेंद्र सिंह यादव के पुत्र विपिन यादव की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई थी, जो कि राजू मिश्रा जी जगेंद्र हत्याकांड के इकलौते चश्मदीद गवाह हैं। इनके ऊपर समय समय पर हमले कराए गए, इनको फर्जी केस में फंसाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में जो हमारे विजेंद्र यादव जी के पुत्र का निधन हुआ है, उसका मुझे खेद है, लेकिन उस केस में राजू मिश्रा जी को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। उसी मांग को लेकर के आज हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसे प्रतिनिधि माननीय सीएम साहब को भेजी गई है, आईजी रेंज बरेली को और अपने हेडक्वार्टर नई दिल्ली को भेजा गया है। इस केस की जाँच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाए एवं पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं इनके रोकथाम के लिए कोई न्याय प्रणाली बनाई जाए और हमारे राजू मिश्रा जी को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि अगर कलम के लिखने वाले लोगों के साथ ऐसा ही अन्याय होता रहेगा तो आज जो शाहजहांपुर में घटनाओं का स्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर अवस्था में है। अगर पत्रकारों ने 24 घंटे के लिए अपना काम छोड़ दिया तो जो कानून व्यवस्था लचर अवस्था में वह और भी नीचे डाउन होती जाएगी। इसलिए सरकार से अपील है, पत्रकारों के साथ न्याय दिया जाए एवं राजू मिश्रा जी को निर्दोष साबित किया जाए, अन्यथा हमारा संगठन संयुक्त मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो उक्त आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें जिला प्रशासन की पूर्णतः जिम्मेदारी होगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। मुरादाबाद के थाना मझूला के जैतीपुर चौकी क्षेत्र में पिकअप गाड़ी ने साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल पर सवार 2.5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका मामा घायल हो गया। वहीं आक्रोशित भीड़ ने पिकअप में तोड़फोड़ की और चालक को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित की जान बचाई। मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी गई है। बताया जा रहा है थाना मझोला के मियां कॉलोनी की पुलिया के पास रहने वाले असलम पेंटर का काम करते हैं। वह सुबह काम के लिए निकले थे, घर में उनकी पत्नी फराह और दो छोटे बच्चे थे। भीषण गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए फराह ने अपने छोटे भाई नदीम को फोन करके बर्फ मंगाने के लिए बुलाया था। नदीम साइकिल से बर्फ लेने जा रहा था, उसका 2.5 साल का भांजा अजहर साथ चलने के लिए रोने लगा। इस पर नदीम ने उसे साइकिल पर बिठा लिया और टीले पर भूरे की दुकान से बर्फ खरीदने लगा। उसने साइकिल दुकान के बाहर खड़ी कर दी थी, अजहर साइकिल पर ही बैठा था। इस दौरान आबिद मार्केट की तरफ से पिकअप आ गई, पिकअप ने साइकिल में टक्कर मार दी, इससे अजहर सड़क पर गिर गया। पिकअप का पिछला पहिया अजहर के सिर को कुचलता हुआ निकल गया। आसपास के दुकानदारों ने चालक को आवाज लगाई तो वह भागने की कोशिश करने लगा। नगमा घर पे आया था, बर्फ लेने गया था, मामा का जा था हमने, उसको किसी ने उड़ा दिया गाड़ी से, छोटे हाथे से मारा उसके, 2 साल का है। एक बच्चे की एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वहाँ आसपास के लोग और परिजन सब लोग हंगामा करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जो चालक था उसको कब्जे में लेकर थाना सक्सेसफुल पहुंचा दिया है और गाड़ी भी पुलिस अपने कब्जे में ले ली है और जो मृतक बच्चा है उसके शव को पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया है। पीएम की कार्रवाई और जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए फोर्स तैनात कर दी गई है और हम लोग अलर्ट हैं, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ क्यूआरटी और जो लेपर्ड है इसके लिए फोर्स यहाँ लगा दी है। जो चालक है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। पुलिस, खनिज और राजस्व विभाग की तीनों टीमों ने मिलकर गुरुवार को टीकमगढ़ जिले में लगे हुए लगभग 4 से 5 रेत की अवैध डंपों पर कार्रवाई की। टीकमगढ़ नगर में रेत का अवैध रूप से भंडारण किया गया था, जिसको लेकर लगातार समाचार प्रकाशित किए जाते थे, जिसको लेकर कलेक्टर के निर्देशन में गुरुवार को अवैध रूप से बनाए गए डंपों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुरुवार को SDM CP पटेल, तहसीलदार सतीश वर्मा, प्रभारी खनि निरीक्षक ब्रजेश अहिरवार द्वारा तीनों टीमें गठित कर अवैध रेत के भंडारण और डंपों पर कार्रवाई की गई। साथ साथ टीम के द्वारा 5 ट्रैक्टर पकड़े। तहसीलदार सतीश वर्मा का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई की गई है, जिसमें मैंने 4 से 5 जगह कार्रवाई की है, जहां से लगभग 150 ट्रक रेत पकड़ी गई है। आगे भी अवैध रेत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसी शिकायतें मिल रही थी मीडिया के माध्यम से, मिल रही थी कुछ अलग लोगों से मिल रही थी कि यहां टीकमगढ़ में शहर में कई जगह रेत का अवैध भंडारण किया हुआ है और अवैध भंडारण का भी इसी तरह पर मैं जो है महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई कई दिन के लिए है कि आगे भी नहीं, और आगे भी चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, बीच बीच में होती भी रहती है। लगभग कितना अनुमान है रेत का? लगभग अभी 150 डंपर के आसपास और आगे भी चलेगी कार्रवाई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए साहिन निशा की रिपोर्ट, टीकमगढ़। जनपद सीतापुर के नगर पालिका के मोहल्ला श्रीनगर कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले में सफाईकर्मी तैनात है, परंतु सफाईकर्मी सफाई करने कभी नहीं आता है, जिससे मोहल्ले के सभी जगह की नालियां चौक चल रही हैं। बीते लगभग 3-4 माह से मोहल्ले में सफाई नहीं हुई, पूरे मोहल्ले में भीषण गंदगी व्याप्त है, लोगों को संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। मोहल्ले के कमलेश मौर्य ने बताया कि मोहल्ले की सफाई खुद करनी पड़ती है और कई बार सभासद से कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और मोहल्ले के लोग कीचड़ में निकलने को मजबूर हैं। साथ में जानकारी यह मिली है कि मोहल्ले का सारा पानी पास के ही एक प्लॉट में गिरा जाता है, जिससे डेंगू जैसी तमाम बीमारियां होने की संभावना रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ मोदी सरकार स्वच्छ भारत के सपने देख रही है, तो दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी प्रधानमंत्री जी के सपनों को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस मौके पर यहां के अर्जुन मौर्य, अर्पित, अखिलेश, विनोद, राजकुमार व अन्य बहुत नागरिकों ने जिला अधिकारी महोदय व नगर पालिका अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की। टीवी इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। जनपद बहराइच के बलहा विधानसभा के कोतवाली नानपारा की ग्राम पंचायत मंझावा भुलौरा में दबंग प्रधान सफीउर रहमान व उसके बेटों ने भाजपा कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल मामला कोटे की जांच गांव के स्कूल में हो रही थी। वहीं जांच में गए भाजपा कार्यकर्ता दीपक श्रीवास्तव एवं गुरुप्रसाद चौहान दोनों को ग्राम प्रधान व ग्राम प्रधान के बेटे ने जमकर पीटा। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुभाष जायसवाल की रिपोर्ट, बहराइच। एक बार फिर टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल की खबर का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 38 में पीने योग्य पानी की विगत कई महीनों से समस्या चली आ रही थी। लोगों के लगातार शिकायत करने के बावजूद भी नगर निगम व महापौर उनकी शिकायत उनकी किसी बात को नहीं सुन रहे थे और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किए हुए थे। जब वार्ड नंबर 38 के बासिंदों ने अपनी इस व्यथा को हमारे कैमरे पर बताया तो हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इस पर नगर निगम व नगर आयुक्त ने संज्ञान में लेते हुए वहां की पेयजल की व्यवस्था ठीक कराने में वहां के बासिंदों की मदद की। जैसे ही वहां कार्य लगा तो वहां के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने नगर आयुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। क्या कुछ कहना था वहां के लोगों का? जी, आपके यहां पे काफी समय से पानी की समस्या चली आ रही थी, अब ये पानी की समस्या आपकी खत्म होने जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पानी की समस्या दूर हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। काफी समय से, 6-7 साल से पानी की समस्या बहुत गंभीर है, रात भर जगना पड़ता है और मतलब सारी रात। भैया क्या नाम है आपको? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी, ये कौन सी जगह पड़ती है, कौन सा वार्ड? ये है इंदिरा नगर नई आबादी रहना, ये वार्ड नंबर 38 है और इसके पार्षद हैं राजेश जी। तो इसमें खारा पानी आता था,
अब खारे पानी की वजह से बहुत जनता दुखी थी। यहाँ के क्षेत्र के लोग पूरी पूरी रात जगते थे। लक्ष्मी नगर वाले ट्यूबवेल का पानी आता है, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन रात को 2 बजे 3 बजे तक भरते थे। अब अगर ये लाइन अगर जुड़ जाती है तो इससे पानी की बहुत राहत मिलेगी। लमसम कितने समय से पानी की समस्या से? पानी की समस्या तो शुरू से ही है सर। यहाँ आप देख रहे हैं 70 से 80 मकान ऐसे यहाँ पे पानी की मतलब समस्या लगा मकान है कम से कम। तो यहाँ के जो पार्षद है, यहाँ के जो पार्षद है, क्या कभी यहाँ समस्या सुनने के लिए आए? तो जिस दिन से पार्षद हुए हैं उस दिन से आज तक आए ही नहीं है, वो तो देखने के लिए नहीं आए। अब ये अगर लाइन जुड़ जाती है तो शायद उम्मीद है। कैसा लगा मतलब यहाँ पानी की लाइन, यहाँ पानी की समस्या अपनी खत्म होने वाली, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पानी की समस्या फिर तो स्वर्ग हो जाएगा सर। ये साहब एक चैनल है Pulse 20 करके, इसके द्वारा एक खबर चली थी, ये उसे ये संज्ञान में आया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा Pulse 20 को कि उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया अपनी में और इसको खबर को प्रकाशित किया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। 28 जून 2019 को BRC 52 के परिसर में स्कूल चलो अभियान, निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, जूता मोजा वितरण 1 जुलाई से विधिवत करने एवं शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी इंद्र प्रताप सिंह जी ने आज प्रधानाध्यापकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में संचारी रोग के बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 52 से आई हुई डॉक्टर रूबी यादव ने विविधता से जानकारी दी। इस मौके पर विद्यानिधि मिश्र, अंशुल मिश्र, मनीष वाजपेयी, सत्येंद्र श्रीवास्तव, राजीव चौहान, उदय शंकर मिश्र, भानु प्रताप सिंह आदि भारी संख्या में अध्यापक गण उपस्थित रहे। टास्क फोर्स अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त इस बिंदु पर भी अपनी रिपोर्ट जनपद स्तरीय समिति को देगी कि वितरण किए गए यूनिफॉर्म को धुलवाकर देखने के बाद रंग फीका पड़ने, कपड़े के सिकुड़ने आदि की शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। जनपद हमीरपुर सदर कोतवाली की रानी लक्ष्मीबाई मोहल्ले की घटना में पूरे मोहल्ले में सन्नाटा, लोगों में चीख पुकार। इस भयानक घटना के हर एक मोहल्लेवासी आंसू बहा रहे हैं। आपको बता दें, सदर के रानी लक्ष्मीबाई मोहल्ला निवासी नूरबख्श अपने बड़े पुत्र नफीस के बेटे के मुंडन संस्कार में ग्राम बागी गए हुए थे। नूरबख्श के साथ उनकी पत्नी व बहू भी गए हुए थे। तभी घर में मौजूद छोटे बेटे 27 वर्षीय रईस व 25 वर्षीय उसकी पत्नी रोशनी, 4 वर्षीय बेटी आलिया, 15 वर्षीय भांजी रोशनी व उसकी 85 वर्षीय दादी सकीना की हत्या होने की खबर मिली, जिस पर आनंद फानन में सभी लोग वापस लौटे तो देखा कि रईस व उसकी दादी सकीना का शव गैलरी में पड़ा मिला था और बेटी आलिया व पत्नी रोशनी का शव बेड में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला तथा भांजी का शव एक अलग कमरे में पड़ा मिला। एक ही घर में 500 देखकर परिजनों के होश उड़ गए और कोहराम मच गया। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों की भीड़ लगनी भी शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलने पर SP हेमराज मीणा, ASP संतोष कुमार सिंह तथा CO सदर अनुराग सिंह, जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश, SDM विनय प्रकाश समेत कोतवाली प्रभारी KP सिंह भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल पर सबूत जुटाने में लग गए। घटना से पूरे शहर में सनसनी मची है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना जिले में हुई है, जहां पर सारे आला अधिकारी और बड़े बड़े अफसर रहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कहीं समझ में नहीं आ रहा है। सोचने वाली बात यहां भी आती है कि जिले में कानून व्यवस्था सख्त है या फिर अपराधी सख्त होते जा रहे हैं। घटना 23 जून 2019 देर रात की है। पुलिस ने सभी शवों का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मरने वाले कौन कौन लोग हैं? रईस नाम के व्यक्ति है जिनकी उम्र करीब 27 साल है, रोशनी भाई को रईस उनकी उम्र 25 साल है, आलिया डॉटर ऑफ रईस ये उनकी उम्र पता नहीं चल पाई है, सकीना भाई को मोकेला ने इनकी उम्र करीब 85 साल है, एक छोटा बच्चा है रईस जिसकी उम्र 3 साल है। इस तरीके से 5 लोगों में डेड बॉडी मिली। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड।